मेरे पास एक बार काउंसलिंग करने के लिए एक पिता पुत्र आए, मतलब लिटरली जैसे हम बैठ के बात करें तो बैठ के बात, तो वो भी हमारे सामने ऐसे बैठे बात करें, और 2 मिनट बाद उसने, पिता ने कहा कि आप प्लीज़ चलिए, मैं इसके साथ मैं कुछ अलग से बात करना चाहता हूँ। ये व्यक्ति, ये लेडी मेरे जीवन में क्यों आई है, और मुझे इतना टॉक्सिक होने के बावजूद भी मैं इसको क्यों झेल रहा हूँ। मुझे प्यार भी बड़ा करती है, लेकिन झिलाती भी इतना है कि बस पूछो मत। तो अब इसके लिए हमने इसको रेमेडी बताई। जो मंत्री था उसके गांव में टैक्स वसूल करने के लिए जाया करता था। एक बार गांव में सूखा पड़ा, बहुत हालत खराब थे, तो टैक्स वसूल नहीं कर पाया। अब वो इसके जीवन में पुत्र बन के आया है। ये जो है, देखते से एक दूसरे को देखते ही जो है ना, वो एंटी खड़ा है उसके सामने कि इसको मैं मार डालूं किसी तरीके से। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव मलिक साहब, लाइफ कोच हैं। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो लोगों के लिए आम लाइफ में काफ़ी क्यूरियस साबित होते हैं। आत्मा, पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ, रिबर्थ, जितने भी इस तरह के। तो बेसिकली अभी मैं मलिक साहब से कुछ ऐसे सवालों को, जैसे हमारे दर्शकों ने पूछा था कि उनको किसी इस विधा के एक्सपर्ट का जवाब चाहिए, तो शुरू करते हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका जी स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों के लिए, अपने लिए। पति पत्नी का रिश्ता या संतान का रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन कई बार जो है लोगों की ज़िंदगी अपने ही संतान की वजह से या एक दूसरे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। ऐसे केस में ये आप क्या बताना चाहेंगे, कार्मिक रिलेशंस या ये कहीं पिछले जन्म की दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं एक दूसरे से, इनमें कितना सच्चाई है? जी सर, देखिए ये बहुत बड़ा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे एक चांस देने के लिए, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो रिलेशनशिप वाला मामला है, मतलब ये मैंने जितनी भी अब तक देखा है, मैंने लगभग अभी तक लगभग 18,000 के करीब लोगों के पास्ट लाइफ डायरेक्ट किए हैं, कुछ इनडायरेक्ट किए हैं। तो इसमें मैंने जो देखा है, ऑलमोस्ट सारे ही रिलेशनशिप हमारे कार्मिक होते हैं, ऑलमोस्ट सारे। भाई इतनी जो 850 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसमें से ये पर्टिकुलर व्यक्ति ही मेरे जीवन में क्यों आया, ये कोई बाई चांस नहीं हो सकता। राइट, बाई चांस नहीं हो सकता कि इसी व्यक्ति को के साथ मेरी, मुझे कंफर्टेबल लगा। इतने सारे रिश्ते आए होंगे, पता नहीं कितने कितने लोगों को क्या देखा होगा, लेकिन इसी व्यक्ति के साथ मुझे लगा कि हाँ शादी होनी चाहिए या ऐसा। फिर बाद में बच्चे, यही बच्चे क्यों आए, किसी और टाइप के, मतलब क्यों नहीं हुई या कुछ भी ऐसा। तो यहाँ से सवाल ये पैदा होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ इसका हमारे पास लाइफ रिलेशन है। और रिलेशन भी ऐसा है कि अब इसमें 2-3 टाइप हो सकती हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत प्यार रहा है और आपने कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉमिस कर लिया, जैसे हम कई बार मूवीज वूवी में देखते हैं कि हाँ हम जन्म जन्म साथ रहेंगे, क्वाइट पॉसिबल कि ऐसे अच्छे लोग भी जिनके साथ आपका बहुत प्रेम है वो आपके जीवन में दोबारा आए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी, ये भी पॉसिबल है कि जो बिल्कुल मतलब जो एकदम दूसरे के एंटी हैं, नेगेटिव हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मन हैं, वो भी आपकी लाइफ में आके आपके बिल्कुल इंटीमेट होकर, नज़दीक से नज़दीक होकर भी, और वो आपकी लाइफ में आकर आपको परेशान करें, आपको दुखी करें, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हो सकती हैं। हमने बहुत बार देखा लोगों का, मतलब पास्ट लाइफ देखा, किसी पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर मतलब लिटरली जैसे दो बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, दो दो एक दोनों लड़के थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। किसी जगह पर वो गए, कभी कुछ बहुत मेहनत करते थे, तो किसी जगह पर जंगल में कुछ एक बार कोई खजाना गड़ा हुआ मिल गया, और खजाना उसके चक्कर में एक ने दूसरे को मतलब मर्डर कर दिया, मार डाला, कैसे करके ये खजाना मेरा हो जाए। इन दोनों की दोस्ती भी थी, मतलब पूरा जीवन अच्छी दोस्ती रही, लेकिन पैसे के चक्कर में एक ने दूसरे को मार भी डाला। पैसा है बड़ी खतरनाक चीज़ है, कुछ भी करवा सकता है। अब इन दोनों का इस जीवन में जो जन्म हुआ, ये पति पत्नी के रूप में आए हैं, मतलब एक उसमें से फीमेल फॉर्म में आया और एक जो है जिसको मारा गया वो फीमेल फॉर्म में आया। अब देखिए, अब ये जो हैं मतलब एक दूसरे के क्लोज भी हुए क्योंकि दोस्ती थी, पूरा लंबा समय जीवन साथ बिताया, लेकिन एक समय के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। अब वो पत्नी बना है और वो पति बना है,
जिसने मारा था, अब ये गिन गिन के बदले लेती है उससे, गिन गिन के बदले लेती है, मतलब जो उससे पॉसिबल हो पाता है, उसको जो सुना सकती है, मार तो नहीं रही है लेकिन मारने जैसी हालत में पहुंचा देती है उसको, उससे ज्यादा बुरे हालत, उससे ज्यादा बुरे हालत में पहुंचा देती है कि वो तिल तिल करके मरता है। तो ये अब ये जब इन्होंने हमारा चेक किया पास्ट लाइफ, हमसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि ये जो वाइफ मुझे मिली हुई है, और स्थिति ये है कि वो किसी भी कारण से छोड़ नहीं सकता उसको, किसी भी कोई भी कोई तरीका लगा दे छोड़ने का प्रयास करता फिर जीवन में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, उसके अलावा कुछ उसको मिलता भी नहीं है, प्यार भी करती है और नफरत भी करती है, दो चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं, कहने को उसकी केयर भी करती है क्योंकि वो भी पिछले जन्म की रिलेशन थी। करेक्ट। तो अब ये जो है, अब इसमें क्या किया जा सकता है, जैसे अब इसने इसको मारा, अभी उसका बदला ले रही है, अब क्या किया जा सकता है, रेमेडी क्या है, अगर ये मुझसे पूछे कि क्या रेमेडी है, रेमेडी है माफ़ी प्रार्थना, मतलब एक सोल लेवल पर भी गलती तो तुमने करी है, जो ये मेल है अगर ये रियलाइज कर ले कि मैंने कभी ना कभी कुछ तो मिस्टेक करी है, ये व्यक्ति ये लेडी मेरे जीवन में क्यों आई है और मुझे इतना टॉक्सिक होने के बावजूद भी मैं इसको क्यों झेल रहा हूँ, मुझे प्यार भी बड़ा करती है लेकिन झिलाती भी इतना है कि बस पूछो मत। तो अब इसके लिए हमने इसको रेमेडी बताई कि माफ़ी प्रार्थना करो, हार्ट टू हार्ट फील करो कि भाई मैंने किसी भी जीवन में तुम्हारे प्रति अगर कोई गलती की है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। इस बंदे ने प्रार्थना लगभग 3 महीने तक करी, ये जो प्रार्थना मैं आपको, ये वर्क करता है बिल्कुल सर, 100% काम करता है, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस के नाम से हमने यूट्यूब पर डाला, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ हैं, मेरे ख्याल 10 लाख से के आसपास होंगे और खूब लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया, नीचे जो कमेंट है सुबह भी बहुत कुछ समझ में आता है कि भाई लोग इसको करने से जीवन में कितना बदलाव आया है, जाने अनजाने की ये गलतियों की जी जी यही आप कहना जी जी जी, तो बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है अल्टीमेटली। अब मैं जब से उसने कहा, उस बंदे को अभी मेरे से बात की हुई लगभग साल भर हो गया, इसने लगभग 4-5 महीने बाद फोन करके बताया कि सर देखिए मैं, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल गया, ये जो लेडी थी जो इतनी टॉक्सिक थी ना, इसके बिहेवियर में लगभग 80% चेंज है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई एक माफ़ी प्रार्थना करने मात्र से इसका लाइफ थोड़ा बदल सकता है, तो वाई नॉट फॉर अदर्स, ऐसा ही क्यों नहीं किया जा सकता बाकी लोगों के बारे में। सिमिलर सर जो रिश्ता जो है वो बच्चों के प्रति भी लगभग ऐसा ही है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो है वो आपके बच्चे भी आपके कार्मिक होते हैं, या तो बच्चे बहुत पॉजिटिव होंगे माता पिता की सेवा करने वाले होंगे, या बिल्कुल नेगेटिव होंगे एकदम एंटी, और या कभी न्यूट्रल होंगे, उनको पता ही नहीं माता पिता को की कोई परवाह नहीं, ऐसा भी होता है। तो हमारे यहाँ 3 तरह के पुत्र इसी टाइप से कहे गए हैं कि सेवक पुत्र, शत्रु पुत्र और उदासीन पुत्र, ऐसे 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो मतलब वही कि जो बहुत भाव से, अब ये इसके पीछे भी डेफिनेटली कार्मिक है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा ऐसा। मेरे पास एक बार काउंसलिंग करने के लिए एक पिता पुत्र आए, मतलब लिटरली जैसे हम बैठ के बात करें तो बैठ के बात, तो वो भी हमारे सामने ऐसे बैठे बात करें, और 2 मिनट बाद उसने, पिता ने कहा कि आप प्लीज़ चलिए, मैं कुछ अलग से बात करना चाहता हूँ। उसने आके बोला कि पता नहीं मेरा क्यों दिल करता है, डे 1 से जब से पैदा ना इसको देखते इसका गला घोट देने का दिल करता है। ये पिता मुझे अलग से ले जाकर बोल रहे हैं। बेटे ने तो सामने ही बोल दिया कि बस चले जाओ पापा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ नहीं तो मैं आपको कुछ कर दूंगा। मतलब ये सामने के ऑन रिकॉर्ड जो है मेरे से बात कर रहा है तो बोल रहा है। पापा के मन में भी यही है कि मैं इसको मार डालूं। ऐसा क्या रिलेशन है, कहने को पिता पुत्र हैं लेकिन एक दूसरे को जान के दुश्मन बने पड़े हैं, कुछ तो हुआ होगा। तो हमने जब पास्ट देखा तो बड़ा सीरियस पास्ट था कि इस बंदे ने कोई, मतलब इनमें से एक जो था कि एक राजा का मंत्री था और एक जो है वो कई साहूकार था, किसी गांव का कोई था। तो इस बंदे ने जब लगान वसूल करने के लिए, कर होता था पहले, टैक्स होता था, तो टैक्स वसूल करने के लिए जाया करता, जो मंत्री था उसके गांव में टैक्स वसूल करने के लिए जाया करता था। एक बार गाँव में सूखा पड़ा, बहुत हालत ख़राब थे, तो टैक्स वसूल नहीं कर पाया, मतलब उसने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, साहूकार था। इसने कहा पैसों तो मैं लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे राजा को खुश करना है। तो उसने पूरे गांव को तहस नहस करके, मतलब इनके जगह को, फिर फाइनली उसको, यानी उसको इतना बुरी तरह से ट्रीट किया, इसने इतना टॉर्चर किया, लास्ट में वो बंदा कुछ टाइम के बाद अपने परिवार सहित मर गया, वो जो साहूकार था। अब वो इसके जीवन में पुत्र बन के आया है, ये जो है देखते से एक दूसरे को देखते ही जो है ना वो एंटी खड़ा है उसके सामने कि इसको मैं मार डालूं किसी तरीके से। तो ये मतलब देखिए है तो कार्मिक ना, इसकी किसी डॉक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, कोई डॉक्टर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि इसके एंटी क्यों हैं ये, आखिर कुछ तो हुआ होगा। तो इसका रिलेशन में मुझे जो समझ में आया कि ये कार्मिक, डीप कार्मिक है, बहुत गहरा कार्मिक है, और फिर एक ही नहीं इनके कई जन्म हुए हैं आपस में। अब अगर ये किसी कारण से अगर ये माफ़ी मांग लें, अगर एक दूसरे के प्रति, आखिर साइकिल कब टूटेगा, ये इसका एंटी, ये इसका एंटी, हो सकता है ये इसको मार डाले, ये हो सकता है ये इसको मार डाले, फिर ये एंडलेस साइकिल चलता रहेगा। तो इसे ब्रेक करने का रास्ता क्या है कि किसी तरीके से
इनमें से एक जो है माफ़ी मांगे, गलती स्वीकार करे और दूसरे के प्रति मतलब अपने मन में एक प्यार का रिश्ता पैदा करे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, अंदर से वो चीज़ डेवलप होनी चाहिए जी सर। लेकिन इसके लिए कोई मतलब गाइड करने वाला हो तो वो चीज़ बेटर जी, हो जाती थोड़ा है। तो आपने जिस तरह से अभी बताया ये काफ़ी क्यूरियस है और लोगों के अनुभव या जिनके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं या जिन्होंने जानने की कोशिश की उन्हें पता चल सकता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, अगर किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या इस तरह की किसी भी पद्धति के द्वारा हेल्प ली किसी एक्सपर्ट से और उसको जस्ट मेरा कि इस जीवन में हम पति पत्नी हैं किसी आपस में और जानना चाहते हैं हमारे रिश्ते क्यों खराब हैं या हम पिता पुत्र हैं पिता पुत्री हो सकते हैं किसी भी रिश्ते में और हमें पता चले कि हम पिछले जन्म में इस रिश्ते में थे, जस्ट अगर कोई पिता पुत्र है और पिछले जन्म वो पति पत्नी था तो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उस अपने इस जीवन को कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि ये जानना कई बार जो है इस जीवन में उसके साथ डीलिंग की समस्या आ सकती है। सर देखिए ये तो थेरेपिस्ट को बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, जैसे मान लो अगर मैं किसी को बताऊंगा, पहली बात तो ये है कि सर जैसे जो अभी आपने पूछा ना कि जो आज पिता पुत्र हैं कल वो हो सकता है पति पत्नी रहे हों, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, एटलीस्ट इस टाइप का नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है कि जैसे पिता पुत्र हैं तो कुछ हो सकता है दादा और पोता या इस टाइप का, या दो फ्रेंड रहे हों, या ऐसा पॉसिबल है। मतलब जो ये पति पत्नी और पिता पुत्र ये थोड़ा सा एक हार्मनी वाला रिश्ता वैसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, बट अगर ऐसा होता भी है मान लीजिए आपकी बात सही है और ऐसा हो तो इस चीज़ को पहली बात तो ये कि जब हम इसको एज ए थेरेपिस्ट की तरह देखते हैं, अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा कि मैंने आपके बारे में ये नॉलेज है, जाहिर सी बात है मैं ऐसी इस नॉलेज को हाइड करूंगा उससे, मैं उसे क्यों बताऊंगा व्यर्थ की बातें कि तुम ऐसे थे और इस वजह से तुम्हारे रिश्ते खराब हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर उसका कुछ कारण रहा होगा, कोई एक लॉजिकल रीजन रहा होगा तो मैं जो उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि ये कारण था और इस वजह से आपके रिश्ते बिगड़े हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पिता पुत्र का, लोग एंटी थे दूसरे के, दुश्मन थे। अब दुश्मन थे तो प्रकृति भी उनको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर वो एक दूसरे के पास भी रहें और अपनी दुश्मनी भी निभाएं। नॉर्मली रिश्ते तभी गड़बड़ होते हैं, इसके पीछे जो कारण है ना प्रकृति, मतलब नेचर भी आखिर किसी को एक साथ रखती होगी तो क्यों रखती होगी, एकदम ऐसा अननेचुरल कुछ भी नहीं होता, जो रखती है आपकी इच्छा के हिसाब से ही होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दोस्त भी थे और फिर एक ने दूसरे को मार भी डाला, तो प्यार भी और नफरत भी, और प्यार और नफरत का कॉम्बो किस रिश्ते में सबसे ज्यादा हो सकता है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। एक तो वो रिश्ता उसी हिसाब से प्रकृति ने उन्हें दिया और एक को पति और एक को पत्नी बना दिया और ये लोग ऐसे डील कर रहे हैं। अब बाप बेटे का मैंने आपको दूसरा एग्जांपल देके बताया कि ये जो है एक डिफरेंट टाइप का रिश्ता था, क्योंकि बाप बेटे का कोई रिश्ता ऐसा वो हार्मोनियस वैसा हो वैसा नहीं होता, तो वो दोनों एक डिफरेंट टाइप का है। तो प्रकृति भी किस बात का ख्याल रखती है, नेचर भी ख्याल रखती है कि उसको ऐसे रिश्ते में डाला जाए। ऐसे बहुत सारे अन्य केसेस भी हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मेरे पास था कि एक लेडी और उसके घर की एक नौकरानी, नौकरानी के प्रति बहुत चिल्लाती थी, बहुत गुस्सा करती थी, इस जीवन में वो नौकरानी उसकी सास बन के आ गई है। प्रकृति ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया नेचर ने कि वो उसकी सास बन के आ गई है, क्योंकि जिसके ऊपर वो इतना चिल्लाती थी, इतनी गालियां उसे देती थी, उसे मन चाह काम कराती थी और बिना खाना दिए उसको खूब मारती थी और गालियां देती थी। ये तो मेरे पास मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रूफ है कि जो गाली वो कभी किसी उसको देती थी ना, आज वही गालियां उसकी सास उसको देती है, मतलब लिटरली गालियां भी मैच करती हैं, ये हालत है मतलब इस टाइप की। तो आज उसकी सास को वैसे ही गालियां देती है और वो बहुत ही एक अच्छे लेवल की वो है, आज एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो लेडी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो खूब गालियाँ देते हैं। वो पूछते हैं कि भैया मुझे पूछते हैं कि भैया मैं करूँ क्या इसका, मतलब ये सास मुझे आखिर मिली तो मिली क्यों, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। मतलब वो जीवन जीते जीते भी सजा हो गई। बिल्कुल सर बिल्कुल, आखिर कुछ तो कारण रहा होगा, नेचर किसी को बिना बात पे तकलीफ दे ऐसा इम्पॉसिबल है, कुछ तो कारण रहा होगा। वो कारण जो है ना वही हम थोड़ा पीछे जाकर जब देखते हैं ना तो परतें जब गढ़ती हैं, अब वो उसको टॉर्चर करती थी, गालियाँ देती थी, प्रकृति ने उसी को उसका बॉस बना दिया। किसी भी रूप में धोखा देना या प्रताड़ना देना या समस्या, तो बदला इस जीवन में लिया जाएगा। मतलब ये इतना निश्चित विधान है, कार्मिक विधान, कर्म का, यही कर्म का सिद्धांत, कर्म का। ओके थैंक यू, सीरियस है सर ये, बहुत सीरियस है। थैंक यू संजीव मलिक सर जी। अभी कार्मिक रिलेशंस पर हम कुछ सवालों के जवाब पा रहे थे यहाँ पे,
और आगे बहुत सारे एपिसोड्स हम करने वाले हैं संजीव मलिक साहब के साथ, और जितने भी आपके क्यूरियोसिटी हैं पास्ट लाइफ या इस तरह से जित अभी संजीव मलिक साहब जो बता रहे हैं लाइफ को सही रखने के या मंत्र पे, आप लिख सकते हैं अपनी क्वेरी, हम उन्हें अपने सवालों में कवर करेंगे। तो नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।